चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश। आज हम बात करेंगे IDBI बैंक रिक्रूटमेंट 2019 पर कुल 500 असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकाला है, तो इस बारे में इस वीडियो पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको वीडियो सुनना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इस वीडियो पर आपको सारी जानकारी, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स अबाउट वैकेंसी, हाउ टू अप्लाई, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, एज, फी, अदर इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल लिंक, सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। पहले हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स पर। इंपॉर्टेंट डेट्स, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो आप सबमिट कर सकते हो वहाँ पर 15 अप्रैल 2019 है। ऑल्टरनेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट होगा 17 मई 2019, यानी कि 17/5/2019। यहाँ पर आपको जो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुए थे वो होते 28 मार्च 2019, और वो जो सबमिशन का लास्ट डेट होगा वो 15 अप्रैल 2019 होगा। अब हम बात करते हैं अबाउट वैकेंसी कैसे रहेगा। अबाउट टोटल वैकेंसी रहेगा IDBI असिस्टेंट मैनेजर का टोटल वैकेंसी 500 पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। UI कैटेगरी के लिए 228, SC कैटेगरी के लिए 75, ST कैटेगरी के लिए 37, OBC कैटेगरी 135, EWS पर 25, PWD पर 5, VH, 5 OH, 5 HH। अब बात करते हैं आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई के लिए आपको जो ऑफिशियल लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है, ऑफिशियल वेबसाइट IDBI का, वहाँ पर आपको विजिट करना पड़ेगा। विजिट करने के बाद आपको कैंडिडेट्स पर वैलिड ईमेल आईडी रहना पड़ेगा वहाँ पर फुल कंप्लीट पूरा करने के लिए। उसके साथ आपको सब एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से आपको केयरफुली उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट फील्ड आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पेमेंट जो है, पेमेंट को ठीक तरह से पेमेंट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको जो फाइनल रजिस्ट्रेशन और प्रिंटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर देना पड़ेगा। उसके साथ आपको वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर रखना चाहिए, आपको वहाँ पर चाहिए मतलब वैलिड आपको ईमेल आईडी यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके साथ मार्कशीट आपको देना पड़ेगा, 12 मार्कशीट और डॉक्यूमेंट्स उसको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर देना पड़ेगा अगर आपके पास है तो। बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स आप एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पर सबमिट आपको करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन इस नौकरी के लिए कैसा चाहिए। क्वालिफिकेशन के लिए आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन पर आपको मिनिमम अगर आप UR OBC कैटेगरी है तो आपको 60% रहना पड़ेगा, और SC ST कैटेगरी और PWD कैटेगरी पर 55% रहेगा तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा इस नौकरी के लिए, आपको पहले ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद प्री रिक्रूटमेंट और मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको इस नौकरी के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब ऐसे करके आपको सिलेक्शन हो जाएगा इस नौकरी के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आपको किस किस बारे में आपको पढ़ना चाहिए, यहाँ पर कौन से टॉपिक यहाँ पर इस नौकरी के लिए है। जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिसिस है, ऊपर 60 मार्क्स है, इंग्लिश लैंग्वेज पर 40 मार्क्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 40 मार्क्स है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस पर 60 मार्क्स यहाँ पर रहेगा। ऐसे करके आपको जो क्वेश्चन सेट है वो तैयार किया जाएगा। तो आपको ऐसे करके इसको ठीक तरह से प्रिपरेशन करना है इस बैंक IDBI बैंक जॉब के लिए। मिनिमम एज आप बात करते हैं, हम एज कैसा रहेगा मतलब कितने साल तक ये अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपको 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स होना चाहिए। और उसके साथ साथ OBC ST ST कैटेगरी के लिए कुछ एक्स्ट्रा छार है उसके एज कैटेगरी पर। एग्जामिनेशन का फीस कैसा रहेगा, इस एग्जामिनेशन के लिए आपको अनरिजर्व कोटा और OBC कैंडिडेट के लिए 700 रुपया, SC ST और PWD कैटेगरी के लिए 300 रुपया यहाँ पर फीस आपको ऑनलाइन पेड करना पड़ेगा। कुछ चरण वगैरह पर यहाँ पर आप फीस पेमेंट नहीं कर सकते, केवल ऑनलाइन थ्रू आप इसको फीस को पेमेंट कर सकते हैं। इस नौकरी के लिए पे स्केल और जो सैलरी है वो कैसा रहेगा। इस नौकरी के लिए असिस्टेंट मैनेजर जो IDBI बैंक का असिस्टेंट मैनेजर है उसके लिए ग्रेड ए, उसका सैलरी रहेगा 23,700 रुपये पर मंथ। तो अब हम बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट सेंटर कहाँ का रहेगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सेंटर जो रहेगा वो रहेगा अहमदाबाद, अमृतसर, भोपाल, बेंगलुरु, उसके बाद भुवनेश्वर, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, ग्वालियर, जयपुर, कोलकाता, कोची, लखनऊ, मदुरई, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम। तो बहुत सारे एरिया पर ऑनलाइन टेस्ट सेंटर रहेगा।
तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में सुझाव लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।